हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संजय पुंजानी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे बहुत ही खतरनाक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। सन 1994 में एक गेम खेली गई थी जिसे फॉलगर और सर्बेनियन ग्रैंड मास्टर लुबोमिर लुबो एविक या जेविक, जो भी इसे प्रोनाउंस करेंगे, उनके बीच में। फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं दोनों। और जुदित पॉलकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये एकमात्र ऐसी वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने सभी वर्ल्ड चैंपियंस को अपने दौर के हराया हुआ है। तो चलिए, मैं गेम पर चलता हूँ सीधा। गेम की शुरुआत यहाँ लुबोमिर ने की थी E4 के साथ, तो C5 सिसिलियन डिफेंस से यहाँ जिदित पॉलकर ने शुरू किया। C3 देन D6, D4, नाइट F3 स्क्वायर पर। क्या मैं कह सकता हूँ कि गेम कुछ कुछ पिक डिफेंस की तरफ ट्रांसपोज हो रही है? पता नहीं। बिशप D3 देन G6, H3, बिशप G7, नाइट F3, कैसल किया दोनों साइड्स ने। इस बार क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2, A6, देन बिशप F4 स्क्वायर पर, E5, नाइट, सॉरी B5, ओके ओके सॉरी B5 देन E5, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया वापस G3 स्क्वायर पर, क्वीन B6, देन नाइट एंड बी गोज टू D2, सी टेक्स D4, देन सी टेक्स D4 हुआ, उसके बाद नाइट गया B4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर प्रेशर है और आई थिंक लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बिशप गया E4 स्क्वायर पर, रुक पर पहले यहाँ अटैक बना। फ्रेंड्स, इस गेम को मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी गेम है। D5, बिशप पर दोबारा अटैक बना, तो बिशप गया B1 स्क्वायर पर, और इस सब प्रोसेस में व्हाइट का रुख टेम्परेली ब्लॉक हो चुका है A5। मेरे ख्याल से ए पॉन को पुश करके कम से कम इस नाइट कॉन्स्टेबल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर अपने रुख को दूसरे रुख को C1 स्क्वायर पर व्हाइट को यहाँ लाने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने नाइट को B3 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट्स ओके। A4, नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया C5 स्क्वायर पर, आइडियल स्क्वायर फॉर दिस नाइट। नाइट एट 8 गोज टू C6। मुझे लगा पॉलकर यहाँ अपने नाइट को एक्सचेंज करने के बारे में जरूर प्लान करेंगे। क्वीन E3 देन नाइट A5 स्क्वायर पर, और एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट दूसरे नाइट के लिए तैयार होने वाली है, और मेरे ख्याल से व्हाइट को पहले ही अपने क्वीन को C3 स्क्वायर पर लाने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले बिशप को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन नाइट C4, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, नाइट C6, नाइट को अपने बचाया, देन A3, और फाइनली एक पॉन पुश आगे हो ही गया है, और अब बिशप के लिए बहुत ज्यादा खतरा नहीं। F6, देन फ्रेंड्स, ये मूव तो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मान लेते हैं यहाँ E6 अगर वाइट कर दे, तो क्लियरली मुझे ऐसा लगता है काफी देखे स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर। अगले मूव में वाइट यहाँ थ्रेट दे रहा है कुछ इस तरह की फॉक लगाने की, काफी स्ट्रॉन्ग फॉक हो सकती है, लेकिन F5 पहले यहाँ ब्लैक कर सकता है, देन रुक E1, चलिए अगर कर भी दिया, देन नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स C5, कुछ इस तरह के वेरिएशंस खेले जा सकते थे। पर चलिए फ्रेंड्स, गेम में ही चलते हैं। गेम में होता है E टेक्स F6, सिंपली पॉन एक्सचेंज हुआ, रुक टेक्स F6, बिशप पर अटैक बना, बिशप ने वापस रुक पर अटैक बनाया G5 स्क्वायर पर जाकर, देन रुक गया F7 स्क्वायर पर जाकर, और फिर कहीं ये वापस बिशप गया E3 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F3। फ्रेंड्स, पॉलकर को यहाँ क्या वीकनेस नजर आई कि उन्होंने यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया G टेक्स F3 E5, और मुझे ऐसा लगा कि शायद पॉलकर अभी इम्पोर्टेंट पॉन को जरूर लेंगे, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही है, उनका इरादा इस नाइट को लेकर है। अगर यहाँ व्हाइट पॉन एक्सचेंज करेगा तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट नाइट टेक्स बिशप टेक्स पॉन काफी वीकनेस क्रिएट हो सकती है। चलिए देखते हैं हुआ क्या था आखिर गेम में यही हुआ था। D टेक्स C5, देन बिशप टेक्स C5, क्वीन पर अटैक बना, और इस क्वीन पर अटैक फ्रेंड्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट अपने क्वीन को बचे D3 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो उसके बाद यहाँ ब्लैक पहले D4 करेगा, बिशप पर अटैक बनाएगा, और अब ब्लैक व्हाइट यहाँ क्या क्या बचेगा, बिशप या नहीं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ उन्होंने मूव खेल दिया। लेकिन व्हाइट ने भी उसका बहुत ही क्रिएटिव यहाँ डिफेंस किया, उन्होंने यहाँ अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उन्होंने कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफर दिया, देखते हैं D4, और यहाँ एक बड़ी ही स्मार्ट हॉक यू कैन से दैट। और फ्रेंड्स, इतनी कॉम्प्लेक्स ये गेम हो चुकी है, आराम से इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। नाइट टेक्स सी5, बिशप को लिया, और अब किस तरह से यहाँ मैट्रिकल एक्सचेंज किया जाए। D टेक्स C3 होगा तो यहाँ बिशप टेक्स C6 हो जाएगा, अभी व्हाइट के पास एक बिशप एक्स्ट्रा होगा, देन C टेक्स B2, रुक पर अटैक बनेगा, रुक जाएगा A2 स्क्वायर पर, देन Nxc5, और यहाँ इस पॉन का आप कह सकते हैं अभी डिफेंस होगा, रुक इस बिशप पर भी अटैक बन रहा होगा, बिशप
e4 जैसा मूव अगर मान लेते हैं व्हाइट के लिए कंसीडर किया जाए, रुक पर अटैक बनेगा तो नाइट टेक्स b6 होगा, बिशप टेक्स a8, देन बिशप टेक्स h3, रुक पर अटैक, रुक हटा दो नाइट टेक्स। तो कुल मिलाकर दो रुक्स के सामने कुछ इस तरह से अगर मैट इलेक्शन होता तो पोटेंशियल चांसेस है इस तरह का फॉर्मेट बनने के, 3 पॉन वर्सेस 4, 3 पॉन वर्सेस 4 पॉन, जिसमें से f5 में पॉन्स डबल हो चुके होंगे। पर चलिए फ्रेंड्स गेम को ही देखते हैं, गेम ज्यादा डेंजरस हुई थी, यहाँ हुआ था नाइट टेक्स ओके, और अभी भी यहाँ ये फॉक को बरकरार रखा है, और व्हाइट ने भी करके ठीक है मेटल एक्सचेंज ही करना है, और फिलहाल तो खैर यहाँ ये क्वीन भी अनडिफेंडेड हो चुकी है। वेल बिशप e4 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी, व्हाइट यहाँ इस नाइट को पिन कर सकता था, लेकिन चलिए गेम को देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ था बिशप a2 चेक, किंग गया g7 स्क्वायर पर, देन बिशप d5, काम वही हुआ लेकिन थोड़े दूसरे अंदाज में, दैट्स ओके। रुक a6 और यहाँ इस नाइट पर अपने और भी ज्यादा डिफेंस किया, देन f4, नाइट पर अटैक बना, और इस नाइट से एक डिफेंस को हटाने की कोशिश, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? तो नाइट गया वापस c4 स्क्वायर पर, और अब क्या किया जाए? बिशप टेक्स d4 चेक होगा, क्वीन टेक्स d4, रुक या क्वीन जो भी होगा, क्वीन टेक्स c3। अगर मैं यहाँ से बात करूं दैट्स ओके, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर बिशप टेक c6 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, डी टेक्स c3, क्वीन गई, बिशप टेक्स d6, ब्लैक की क्वीन गई, रुक टेक्स b6, रुक बिशप पर अटैक बना, और फ्रेंड्स इतना सोचा समझा जो फॉलकर का मूव है, या मैं कहूँ कहीं एक स्लाइट मिसकैलकुलेशन, बहुत बड़ी नहीं छोटी सी मिसकैलकुलेशन यहाँ व्हाइट ने की होगी। मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपने बिशप को ले जाए g2 स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा c takes b2, रुक पर अटैक बनेगा, और ये नाइट इतने परफेक्ट स्क्वायर पर है कि वो इस पॉन को क्वीन प्रमोट करवा कर ही मानेगा। और अब यहाँ अगर ये रुक a2 स्क्वायर पर, सॉरी रुक को रखते हैं पहले b1 पर रखते हैं, तो नाइट d2 होगा, और अगर ये रुक सॉरी रुक को जाएगा a2 स्क्वायर पर, तो उसके बाद क्या दिखेगा? उसके बाद ये फिर दोबारा नाइट को यहाँ ले जाओ d2 स्क्वायर, और रुक पर अटैक बनेगा, और यहाँ अपने क्वीन प्रमोट कर, दैट्स इट। चलिए काफी इंटरेस्टिंग है, तो व्हाइट ने फाइनली यहाँ किया बिशप टेक्स b5, रुक टेक्स b5, देन बी टेक्स c3, बिशप टेक्स h3, रुक पर अटैक, रुक गया d1 स्क्वायर पर, रुक b3, दोनों में से कोई एक पॉन, नहीं एक ही पॉन, दोनों पॉन, यस दोनों पॉन पर अटैक है, रुक d4 से नाइट पर अटैक बना, तो रुक टेक्स c3, रुक एट ए गोज टू d1, रुक्स की बैटरी तैयार की है, पॉन तो लिया ही जा सकता, नहीं चलिए देखते हैं हुआ क्या था। बिशप f5 ओके, रुक गया e1 स्क्वायर पर, रुक e1 स्क्वायर पर जाने का कारण क्या है फ्रेंड्स? यहाँ ये बिशप का अगला डेस्टिनेशन कुछ माइट भी इस तरह का हो सकता है। रुक e1 यहाँ पहले व्हाइट ने लिया, देन नाइट गया b2 स्क्वायर पर अपने पॉन पर डिफेंस करने के लिए, और फ्रेंड्स काफी यहाँ मुझे लगता है कुछ इसी तरह के ब्लैक के गेम प्लान्स होंगे। रुक e3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन रुक टेक c3, एफ टेक c3, फाइनली f5, डबल डबल हो चुके पॉन्स पर, कुछ तो फर्क पड़ा ही है। बिशप e6, देन e4, बिशप b3, आइडियल स्क्वायर फॉर दिस बिशप। रुक d7 चेक, किंग गया f6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स h7, एक पॉन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट c4, और अब वाइट यहाँ अपने इस a3 पॉन को नहीं बचा सकता। e5 चेक, नॉट एन इशू, किंग गया e6 स्क्वायर पर, रुक g7, पॉन पर टेम्परेरी अटैक कह सकते हैं, बिशप से इसका डिफेंस होगा, उसको c2 स्क्वायर पर ले जाकर, रुक c7, देन नाइट टेक्स a3, और फाइनली बिशप पर नाइट का डिफेंस हो चुका है। फ्रेंड्स अगर किसी को नाइट और बिशप कैसे कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तो इस गेम को, क्योंकि बहुत लंबी गेम है, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, इस गेम को आराम से बैठ के देखना, यहाँ नाइट और बिशप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से समय आ चुका था व्हाइट के लिए कि वो अपने किंग को मूव करना शुरू कर देता, क्योंकि रुक कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस गेम में लाने वाला नहीं है। रुक c3 यहाँ चले किया भी, मूव अच्छा है कि बचाओ क्या बचाओगे, बिशप या नाइट, लेकिन बिशप b3 से दोनों बच गए। रुक c6 चेक हुआ, और किंग ऑब्वियस है यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो किंग है f7 स्क्वायर पर, अदरवाइज ये पासा थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। देन रुक c7 चेक हुआ, किंग f8 स्क्वायर पर चला गया, रुक c6, किंग g7, रुक c7 चेक, किंग h6, रुक c6, किंग g7, रुक c7 चेक, किंग f8, टू फोल्ड रेपिटेशन अब तक हो चुके हैं, वही लगभग मूव चले गए हैं। रुक c6, देन बिशप f7, और फाइनली वो ब्रेक यहाँ हुआ है। रुक a6 पॉन पर अटैक बना, तो बिशप e8 हो गया, रुक a7, देन नाइट c2 स्क्वायर पर चला गया, और इसके बाद कम से कम एक मूव तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉन को आगे पुश करने में। देन किंग गया f2 स्क्वायर पर, a3, फाइनली वही मूव हुआ, किंग e2, देन नाइट d4 चेक, किंग गया
d2 स्क्वायर पर, और यहाँ ये नाइट की रीशफलिंग यू कैन से दैट काफी अच्छी है। नाइट गया b5 स्क्वायर पर, रुक a6 किंग e7 e6 देन नाइट d6 और फाइनली इन्होंने ये पॉन छोड़ दिया विद पॉल करने, जस्ट सिंपली बिकॉज अगर यहाँ ये फॉक आपको नजर आ रही होगी, किंग गया c2 स्क्वायर पर, देन किंग टेक्स e6 हो सकता था, पॉलगर कर सकती थी, ठीक था, लेकिन पॉलगर ने यहाँ किया नाइट c4, उन्होंने यहाँ भी डिफेंस करना ज्यादा ठीक समझा, दैट्स ओके। किंग c3 देन बिशप b7 रुक पर अटैक बना और बना है, तो रुक a7 चेक, किंग टेक c6, फाइनली ये पॉन मिला, और आप यहाँ देखिए बिशप की प्लेसमेंट से ये पूरे जो स्क्वायर्स बचे हुए हैं ये व्हाइट के लिए बचे ही नहीं थे, यहाँ ये d6 c6 b6 और a6 स्क्वायर व्हाइट के रुक के लिए थे ही नहीं। किंग टेक्स a6, किंग b4 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना, और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो यहाँ क्या बच सकता है, तो नाइट d6 यहाँ ब्लैक ने पहले किया कि ठीक है पॉन को ले लो, रुक टेक्स a3, और अब एक थोड़ा सा वीक पॉन जो कि अपने किंग से किंग की सेफ्टी से थोड़ा दूर हो चुका है पॉलगर को यहाँ मिल गया, उन्होंने यहाँ क्या बिशप लिया, रुक a5 ताकि ब्लैक अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव ना कर ले, देन नाइट या b5 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ कुछ भी मैटेरियल एक्सचेंज होता है तो ब्लैक यहाँ क्लियरली विनर है, कैन से दैट, रुक टेक्स b5 नहीं हो सकता क्योंकि किंग f5 अगला मूव आएगा, किंग c5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया तो किंग f5 यहाँ ब्लैक ने किया, रुक a8 और फिर वही प्रॉब्लम कि क्या आप बचना चाहते हो यहाँ पर, तो नाइट c7, नाइट से बिशप का डिफेंस रुक पर अटैक, फ्रेंड्स कमाल का मूव है, रुक c8, अब बताओ क्या बचना है, नाइट या बिशप, लेकिन नाइट c6 चेक, नाइट मेन्यूवर इतना खूबसूरत इतना एक्साइटिंग हो सकता है कमाल का, किंग गया d6 स्क्वायर पर, बिशप पे रुक a8, बिशप पर अटैक, बिशप d1 और फाइनली बिशप हाथ से निकल गया, व्हाइट इस बिशप को नहीं पकड़ सकता, रुक a5 चेक, किंग f6 सिंपली जस्ट क्योंकि यहाँ पॉन पर अटैक था, नाइट ब्लैक को गवाना पड़ता तो थोड़ा अभी पोजीशन इंप्रूव हो सकती है नाइट और बिशप की ताकि वो f5 पॉन लिया जा सके, प्रॉब्लम यही है कि व्हाइट का ये किंग उस पॉन की सेफ्टी से थोड़ा दूर है, रुक a1 बिशप e2 रुक a4 बिशप d1 रुक e4, रुक e4 का डिसीजन फ्रेंड्स व्हाट यू कैन से शायद दूसरे मूव कंसिडर किए जा सकते हैं, नाइट g7 और नाइट g7 के बाद ब्लैक का है नाइट यहाँ इस पॉन पर परमानेंट अटैक बनाने वाला है, यहाँ तो चलो थोड़ा किंग का भी अटैक आ रहा था, रुक e1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया देन बिशप f3 पर, रुक f1 दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप गया e4 स्क्वायर पर, पॉन इज सेफ और व्हाइट अपने किंग को यू कैन से दैट यहाँ इस f5 स्क्वायर की डिफेंस से डिफेंस पर नहीं लगा सकता, किंग f5 स्क्वायर पर सेफली आ सकता है, रुक e1 कोई दिक्कत नहीं है, किंग f5 स्क्वायर पर और शायद व्हाइट को अपने रुक को f1 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने किंग को मूव किया, कोई दिक्कत नहीं, नाइट h5 रुक g1 स्क्वायर पर, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाइट टेक्स f4 रुक टेक्स g6 देन नाइट टेक्स g6 चेक, और फ्रेंड्स यहाँ मेरे ख्याल से जो भी लोग चेस के चेकमेटिंग पैटर्न्स को जानते होंगे तो सबसे मुश्किल होता है बिशप और नाइट से चेकमेट तक को गेम तक अंजाम तक पहुंचाना, और इसके लिए लगभग 32 या 33 मूव का एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस है जो उसी सीक्वेंस को फॉलो करके चेकमेट की जा सकती है, पहली बात, और जो फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जिस कलर का आपके पास बिशप है एज अ अटैकर आपको फोर्स करना है अपने ओपोनेंट के किंग को उसी कॉर्नर में धकेलने के लिए, आपके आपको अपने ओपोनेंट को एक कॉर्नर में ले जाकर ही चेकमेट कर सकते हैं, बोर्ड के सेंटर में चेकमेट नहीं हो सकती बिशप और नाइट के द्वारा, और दूसरा जिस स्क्वायर का बिशप है आपके पास लाइट स्क्वायर है तो इन दो स्क्वायर्स पर h8 a8 स्क्वायर्स पर चेकमेट नहीं हो पाएगी, वही चेकमेट होगी जहां पर ये बिशप अटैक बना सकता है, डार्क स्क्वायर पर बिशप कभी अटैक नहीं बना, दैट्स इट, इतना सिंपल कह सकते हैं। तो अब एज अ डिफेंडर अगर मैं व्हाइट होऊंगा तो मैं अपने कोशिश करूंगा कि अपने किंग को किसी भी तरह से यहाँ इस h8 या a1 स्क्वायर तक लेकर चला जाऊं ताकि गेम स्टेलमेट हो सके, ज्यादा से ज्यादा मुझे टाइम मिले और 51 50 कितना 55 कितने मूव्स होते हैं 50 मूव्स होते हैं वहां तक मैं इस गेम को फिर ड्रॉ कर दूं। खैर अब देखते हैं गेम में क्या हुआ, किंग d6 किंग f6 और पॉलगर ने क्या कहते हैं वॉल टेक्निक लगा ओपोनेंट के किंग को धकेलना शुरू कर दिया, कोशिश होगी इनकी a8 स्क्वायर तक लेकर जाने की, किंग e5 किंग c4
वो व्हाइट की कोशिश है अपने किंग को ए1 स्क्वायर तक लेके जाने की। बिशप d5 चेक, किंग d3, नाइट f4 चेक, किंग e3, बिशप e4, देन किंग गया d2 स्क्वायर पर, किंग d4, किंग c1 वही कोशिश है, किंग c3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें कि ये बिशप बहुत ही अच्छा काम कर और ये किंग ओपोनेंट के किंग को इस ए8 ए1 सॉरी ए1 स्क्वायर तक नहीं जाने, किंग डी1 यहाँ फाइनली व्हाइट को करना ही पड़ेगा। देन बिशप c2 चेक, और ये बिशप c2 चेक से नाइट फर्स्ट रैंक में फर्स्ट चूक है व्हाइट का किंग। तो अब कम से कम व्हाइट अपने किंग को c1 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकता, सिंपली बिकॉज नाइट e2 चेक और यहाँ ही मेट या नाइट d3 चेक पर कमाल की चेकमेट होती है। लेकिन किंग गया e1 स्क्वायर पर, किंग d3, किंग f2, किंग e4, किंग g3, देन बिशप गया d1 स्क्वायर पर, और फिर वही बिशप वो काम करने वाला है इस किंग को फंसाने का। किंग f2, देन नाइट d3 चेक, और किंग को रोकने के लिए व्हाइट का फिलहाल ये नाइट आ चुका है, बिशप ने पूरी डायगोनल कवर की हुई है, कहाँ जाएगा। अगर ये किंग जाता है f1 स्क्वायर पर तो किंग अपनी पोजीशन, ब्लैक का किंग अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर लेगा। तो सेंटर की तरफ रहो, कॉर्नर की तरफ मत जाओ, मतलब किंग g3, किंग e3, किंग h4, किंग f4, दैट्स इट, फाइनली ऊपर जाना ही पड़ेगा। किंग h3, देन वैसे तो मेरे हिसाब से वही टेक्निक लगानी चाहिए, नहीं चेक नहीं आएगी ना, हाँ ठीक है, सिलमट हो जाएगी। देखो नाइट e1 यहाँ ब्लैक ने किया, किंग h4, नाइट g2 चेक, किंग h3 स्क्वायर पर, किंग f3, देन किंग h2 स्क्वायर पर, फाइनली ये किंग के लिए अब बचे हैं 3 स्क्वायर्स, नहीं चौथा स्क्वायर भी है घूमने के लिए। तो किंग f2 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, ओके किंग गया h3 स्क्वायर पर, नॉट एन इशू, बिशप e2 हुआ, किंग h2, और फिर बिशप गया g4 स्क्वायर पर, इस h3 स्क्वायर को भी ब्लैक ने छीन लिया। किंग h1, देन नाइट e3, और 93 अब ब्लैक अपने किंग को सिर्फ इन 2 स्क्वायर्स पर ही मूव कर सकता है, और ध्यान रखना कि स्टेलमेट ना हो जाए। किंग h2, देन नाइट f1, किंग h1 स्क्वायर पर, और यहां इस मूव के बाद लुबोमिर ने रिजाइन कर दिया। तो बिशप है क्योंकि अगला मूव होगा बिशप f3 चेक, और ये फ्रेंड्स एक बात इस वीडियो को एंड करने से बाद मैं जरूर कह सकता हूँ संजय पुंजानी जी से कि प्लीज यार अगली बार इतनी लंबी वीडियो मत बना, वो इतनी लंबी गेम मत बताना, 106 मूव के बाद ये जैकमेट हुई फ्रेंड्स, कमाल की गेम थी। और खासकर नाइट और बिशप किस तरह से मैन्यूवर कर सकते हैं, कितने इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, इस गेम से कमाल का हमें ये सब कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स शेयरिंग के बारे में जरूर कहूंगा, शेयर प्लीज ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।